दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज न्यू मून है जो कल से स्टार्ट हुआ है। सो आज हम आपको बताएंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है और न्यू मून का क्या इफेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे कि हमने जुलाई में ही आपको बताया था कि 88 के पोर्टल के चलते बहुत सारी ट्विन सोल्स मेन जो कुंभ राशि, एक्यूरस, लिब्रा, तुला राशि, मेष राशि, मिथुन, धनु राशि से बिलोंग करते हैं, मेन एक्यूरस राशि पर इस पोर्टल का एक पूरा इफेक्ट देखने को मिला है जो कि 30 और 31 जुलाई से ही घटना शुरू हो गया था और अगस्त स्टार्ट होते होते यह है एनर्जी बढ़ने लगी, जिसके चलते इसका एक बुरा इफेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर देखने को मिला। 17 सितंबर तक यह काफ़ी हाई था, जिस कारण खासकर डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारे टॉक्सिस रिलेशनशिप फ्रंट पर या सरफेस पर आए और बहुत ज़्यादा ट्रिगर से वो फाइट करती हुई आगे बढ़ी। हमारी डीएफ बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में थी, बैलेंस की एनर्जी में थी, हायर एनर्जी में थी, बट अपने ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ही खुश थी, बट थर्ड पार्टी के चलते उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा जिस कारण वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश भी हुई। साथ ही उसके आगे बहुत सारे इश्यू क्रिएट हुए। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी तकलीफ़ से भी गुजरना पड़ा, उन्हें कोल्ड फीवर, पेन से गुजरना पड़ा। जब वो एक परेशानी से जूझकर बाहर आई तो दूसरी परेशानी उनके सामने आ खड़ी हुई। इस तरीके से उसका यह पूरा महीना परेशानियों से ही गुजरा है, वो उन प्रॉब्लम्स में ही अपने आप को घिरा हुआ उन्होंने पाया है। पहले लग रहा था यह सिचुएशन 17 अगस्त के बाद ठीक होनी शुरू हो जाएगी, बट एकादशी पूर्णिमा के आते आते यह सिचुएशन बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ती चली गई। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी टाइम से, यानी 2-3 साल या 4 साल से इस जर्नी में जो थी वो भी ट्रिगर हुई है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अपनी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी, एक बैलेंस की स्थिति में थी, बट सडनली उन्होंने ट्रिगर को फील किया और यहाँ तक कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन ने खुद पर अटैक भी हुए हैं, खुद पर अटैक को भी फील किया है और अभी भी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन उसके असर से बाहर नहीं आ पाए हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो वो जिन जिन सिचुएशन में फंस गई थी उनमें वो बस एक या दो से ही बाहर आ पाई हैं। अभी भी वो फाइट कर रहे हैं उनके कार्मिक द्वारा, थर्ड पार्टी द्वारा और अगर वो मैरिड है तो अपने कार्मिक पार्टनर के द्वारा उन्हें ट्रिगर किया जा रहा है। इट्स मीन वो खुद को चारों ओर से फंसा हुआ फील कर रही हैं। वो नहीं समझ पा रही हैं कि एकदम से यह क्या हो गया, मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, सडनली ये किस मोड़ पर आ गई हूँ। तो जो लोग इस जर्नी में नए हैं वो भी बबल फेस के बाद अपने ही डीएम से ट्रिगर हो रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस डीएम को वो इतना ट्रू लव करती हैं वो ही उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो उन्हें बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर भी मिल रहे हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं उनके साथ यह सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। सो इसका मतलब यह भी है कि उनका कार्मिक सर्कल एंड होने वाला है और उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आने वाला है, एक चेंजिंग आने वाली है, क्योंकि जो भी ट्रिगर को हमारी डीएफ ने फेस किया है उसके बाद उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब वो कार्मिक को अपनी लाइफ में नहीं रहने देगी और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएगी। इट्स मीन वो पहले से ही अवेकन सोल है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है अपने कार्मिक को पूरी तरह से अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के बारे में। कुछ डीएम के साथ भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन ने काफ़ी टाइम पहले ही अपने ड्रीम में देख लिया था कि उनके कार्मिक द्वारा उन्हें ट्रिगर किया जाएगा या फिर उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है या फिर उन्हें नीचा दिखाया जा सकता है, तो वो सपना उनका सच हुआ है और जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं।
डीएफ को इस सिचुएशन में देखकर हमारे डीएम भी काफ़ी मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डीएफ को मिस कर रहे हैं, जिस कारण वो भी काफ़ी निराश हैं। सो दोनों ही सोल अपनी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, अपनी कर्मास पर वर्क कर रहे हैं और दोनों ही सोल्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी नज़र आ रहे हैं। हमारी डीएफ काफ़ी टाइम से बैलेंस की स्थिति में थी, काफ़ी पीस और हाई वाइब्रेशन में थी, बट एकदम से ज़बरदस्त ट्रिगर उनके ऊपर हुए हैं। दोनों ही सोल ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं और अपने अपने कर्मास पर वर्क कर रही हैं और मैस्कुलाइन भी अपने अपने कर्मास को रिलीज़ कर रहे हैं। दोनों ही सोल अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि दोनों ही साइलेंस में हैं, अपने अपने कर्मास को रिलीज़ कर रहे हैं और 5D में दोनों ही सोल एक हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन रीयूनियन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सी सोल जो अपनी सभी कर्मास को रिलीज़ कर चुकी हैं वो परमानेंट यूनियन में आ रहे हैं। बहुत से ट्विन सोल्स का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। उन्हें काफ़ी सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं जिसका इंडिकेशन यूनिवर्स द्वारा उन्हें मिल भी रहे हैं। अपने ट्विन को भी वो ड्रीम में ऐसी सिचुएशन में देख रही हैं। वो कभी अपने आप को बैलेंस में फील करती हैं, पीस में फील करती हैं, वहीं एकदम से वो अपने डीएम को मिसिंग एनर्जी को फील कर रही हैं। कभी रोने लगती हैं और कभी हार्ट पर हैवी एनर्जी को फील कर रही हैं। कुछ फेमिनाइन जो खुद को डिसबैलेंस फील कर रही थी उन्हें भी ट्रिगर हो रहे हैं। वहीं मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी मिस कर रहे हैं, जिसे डिवाइन फेमिनाइन भी फील कर रही हैं। सो डीएफ उन्हें लव सेंड करें, ईगो में ना आए। सो इस बार हमारी डीएफ और डीएम एक ठहराव की सिचुएशन को फील कर रहे हैं, अप और डाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही पॉजिटिव और हाईली वाइब्रेशन पर हैं। वो काफ़ी सेक्सुअली और मिसिंग एनर्जी को उन्हें फील हो रही हैं। दोनों ही सोल टेलीपैथी एक दूसरे से जुड़ाव को फील कर रहे हैं। जो डिवाइन सोल्स किसी अन्य कार्मिक पार्टनर से मैरिज हैं उन्हें भी सडनली ट्रिगर हुए हैं, जिस कारण से उन्होंने भी पक्का मन कर लिया है कि वो अपने कार्मिक पार्टनर को अपनी लाइफ में जगह नहीं देंगी और स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेंगी, जन कल्याण के कार्य में आगे बढ़ेंगी और अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करेंगी जिसके लिए वह धरती पर आई हैं। तो दोस्तों, यह था आज का चैनल मैसेज। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।